हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल नव यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक गंभीर समस्या जिसका नाम है कैंसर। और धीरे धीरे ये समस्या हमारे भारतीय समाज में, जो कि पहले इस तरह की बीमारी आपको कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को सुनाई देती थी, और आज ये हर चौथे से दसवें घर की कहानी बन गई है। तो ऐसे में कैसे इस बीमारी को पहचाने, इसके लक्षणों को पहचाने और उन गलतियों को इग्नोर करें जिससे कैंसर हो जाते हैं। तो चलिए आज लक्षणों की बात करते हैं। कैंसर का नाम सुनते ही अक्सर लोगों में घबराहट पैदा हो जाती है, क्योंकि गंभीर बीमारी है। इस बीमारी के को क्योर करने में बहुत पैसा भी लगता है और शुरुआती स्टेज में कितनी बार इसका पता लगाना संभव नहीं होता है। लेकिन यदि आप समान बीमारियों को ध्यान से देखेंगे तो भी ये कैंसर के लक्षणों की ओर भी संकेत कर देती है। तो अपने शरीर के छोटे छोटे संकेतों को पहचाने जो गंभीर बीमारियों को इशारा करते हैं, ये है साइलेंट किलर, यानी खामोशी से आपको खत्म करने वाली बीमारी। तो बात करते हैं कुछ विशेष संकेतों की। सबसे पहला, शरीर में अचानक और बिना कारण हुए वजन घटना। कैंसर सेल्स तेजी से विभाजित होते हैं, इसके लिए शरीर को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। नतीजतन आप बिना किसी प्रयास के अपना वजन कम होते हुए देख सकते हैं। शरीर में किसी गांठ या सूजन का होना। शरीर में कहीं भी बिना किसी कारण के गांठ या सूजन का होना कैंसर का संकेत हो सकता है। खासतौर पर ब्रेस्ट, टेस्टिकल्स या गर्दन में गांठ का पता चलने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तीसरी चीज, यदि आपको खाना निगलने में कठिनाई है तो मुंह, गले या पाचन तंत्र में कहीं भी कैंसर का ट्यूमर बन रहा होता है, ऐसे में भोजन को निगलने में कठिनाई पैदा होती है। चौथी चीज है खून का बहना। मल में खून आना, महिलाओं में मासिक धर्म के अलावा असमान ब्लीडिंग होना या फिर बिना किसी चोट के खून बहना कैंसर के संकेत हो सकते हैं। लगातार थकान रहना। थकान होने एक आम बात है, लेकिन अगर आप बिना किसी कारण के लगातार थकान महसूस करें तो ये थकान आराम करने के बाद भी यदि कम नहीं हो रही है तो कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। शरीर के किसी अंग में लगातार दर्द होना। हड्डी का दर्द जो रात में बदतर हो जाए या शरीर के किसी विशेष अंग में लगातार यदि दर्द बना रहे तो ये कैंसर का संकेत हो सकता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल चक्र में बदलाव, अनियमित या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना या मेनोपॉज के बाद खून आना असमान है, ऐसे में भी इसकी जांच जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा आपका त्वचा, ये भी कितने संकेत देती है, जैसे तिल या मसों में आकार, रंग या बनावट में बदलाव होना कितनी बार कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा घाव जो जल्दी भर नहीं रहा या स्किन पर लगातार खुजली होना भी कैंसर की ओर संकेत करता है। तो ये वो लक्षण है कि यदि आपको हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, अपने बॉडी का टेस्ट उनके निर्देश अनुसार कराएं, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या से आप अपनी बॉडी को बचा सकें। याद रखें, आपका स्वास्थ्य ही आपका धन है। तो दोस्तों, ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ, आपके हेल्थ से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।